सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज शीला हैप्पी लाइफ टिप्स एंड मैं हूँ शीला। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ या फिर मेरे फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ गुड वाइब्स का पेलो मास्क। इसलिए मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे ये यूज़ करना था एंड अभी 9 बजे है सुबह की, क्योंकि मैं टाइम देख के फिर बैठी थी। तो अभी कुछ भी मतलब लगभग थोड़ा बहुत काम हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है अभी। सो एंड मेरी गुड़िया उठ गई तो उसको दूध वगैरह दे दिया। सो अब मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर सकती हूँ, देन में नहाने चली जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। ओके, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही खाना बनाती हूँ कभी कभी, बाकी उससे पहले बना लेती हूँ। सो अभी लाइट नहीं है एंड फिर भी आपको मेरा फेस अच्छे दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा क्योंकि मैं इस तरह से बैठी हूँ कि थोड़ी सी बाहर की रोशनी मेरे फेस पे आए। ओके, इसलिए सो या हम यूज करने वाले हैं आज, हम नहीं मतलब मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स एक्टिव चारकोल पीलो मास्क। एंड थोड़ी बहुत इसके बारे में बता देती हूँ बातें में, पूरा तो नहीं। सो इसको मैंने सबसे पहले प्राइस इसकी है 249 मीन्स 250 रुपये। एंड इसको मैंने भी 50% डिस्काउंट में मंगवाया था। इसको एक्चुअली इसको मैंने मंगवाया था अपने हस्बैंड के लिए, उनको उन्हें क्या उनका जो फेस है, जो इनका स्किन टोन है बहुत ज़्यादा क्लियर है, मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब फेयर बोल सकते हो उसको, वो है। तो उनको क्या होता है ना, यहाँ पे नोज़ के यहाँ पे एंड अपर लिप तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको मतलब ब्लैक हेड्स वगैरह से प्रॉब्लम होती है। वो रात को क्या करते हैं अपना स्किन जो मतलब रूटीन भी फॉलो नहीं करते हैं, कुछ आते हैं फटाफट हल्का सा पानी से मुंह धोया एंड खाना खा के फिर सो जाते हैं, थक बहुत जाते हैं इसलिए एक्चुअली। तो उनके लिए मैंने मंगवाया था ये, बहुत अच्छा काम करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिली है ब्लैक हेड्स में रिमूव होने में। वो हर 2 या 3 दिन में इसको यूज़ कर लेते हैं। सो बट आज मैं जो यूज़ करने वाली हूँ सेकंड टाइम यूज़ करने वाली। फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने यूज़ किया एंड मेरी गुड़िया सोई थी तो थोड़ी देर में उठ गई, तो मुझे फटाफट से उसको रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा। मीन्स इसने अपना अच्छा सा काम भी नहीं किया होगा, 1 या 2 मिनट में मुझे हटाना पड़ा था क्योंकि वो डर ना जाए इस वजह से, क्योंकि पूरा ब्लैक ब्लैक होता है ना फेस अपना इस वजह से। सो आज मैं इसको फिर से यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको बिफोर गुड़िया उठ चुकी, उसको मैंने अपना उसका जो दूध वगैरह मैंने दे दिया उसको। अभी 9 बजी तो लाइट भी चली गई, काफी अभी काम बाकी है, बट पहले अपना स्किन के रूटीन है वो फॉलो कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा रूटीन के मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। मैं मॉर्निंग में कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ, नॉर्मली क्या करती हूँ जो जब मैं दूध गर्म करती हूँ अपने चाय बनाती हूँ बेबी के लिए दूध गर्म करती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा मिल्क जो होता है वो कच्चा मिल्क उसको लेके कॉटन में हल्का सा मैं पूरे फेस को क्लीन कर लेती हूँ, बस वही करके रखती हूँ। एंड जब मैं नहाने जाती हूँ तब मैं कुछ भी जो भी मुझे अपने फेस के लिए करना हो तो वो मैं करती हूँ। ओके, सो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का एक्टिव चारकोल पीलो मास्क, ये अपने फेस पे यूज़ करने वाली हूँ। बीच बीच में बोल रही हूँ, तो प्राइस मैंने इसको बताई थी, मुझे हाफ रेट में रिसीव हुआ था 250 रुपये। इस पर MRP प्रिंट है तो आप हाफ रेट कर लीजिए, उसमें मुझे रिसीव हुआ था। सो यूज़ करने के लिए इसको आपको एक थिक लेयर अपने फेस पे लगानी होती है। थिक लेयर इस पर लिखा है बट बहुत ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं लगाए, मोटी लेयर, वरना वो क्या होता है रिमूव होने में सूखता नहीं जल्दी से, रिमूव नहीं होता जल्दी से। सो इसको इतनी मोटी लेयर लगानी कि फटाफट से सूख जाए ये 10 या 15 मिनट में एंड उसको आप रिमूव कर सके। और हाँ, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था तो मैंने 1 से 2 मिनट में इसको रिमूव किया था, उसके बावजूद कहीं कहीं पर सूख गया, तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो पेन तो होता है इसको यूज़ करने में। एंड आज और आप लोग देख ही लेंगे, मैं बता दूंगी आपको। सो आंखों से इसको दूर रखना आपको, बी केयरफुल बता रही मैं आपको। एंड पानी से नहीं धोना इसको, आपको एक दो बार हटाना है एकदम से, पीलो मास्क से रिमूव करना है, देन अपने फेस को वॉश करना है। इंग्रेडिएंट्स वही है, एक्टिवेटेड चारकोल फ्लावर एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मैन बहुत सारे ऐसे से है ना, तो मैं इतनी भी इंग्लिश नहीं जानती हूँ, इतने से बहुत ज़्यादा वो पढ़ लूँ मैं, ठीक है। वैसे भी अच्छा होता है, मेरे हस्बैंड यूज़ करे तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है, उनके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ऑब्वियसली। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा हो स्टार एंड कूल ड्राई पैलेट्स फॉर एक्सटर्नल यूज, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होती है तो ये बाहर यूज के लिए होती है, अंदर मतलब मीन्स अंदर खाने के लिए नहीं होती ये। सो नो इसमें है नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, कटली फ्री, नो मिनरल ऑयल। ओके, सो इन 100 ग्राम का पैक आप देख सकते हैं, इतना खाली हो गया है। मेरे हस्बैंड इसको यूज करते हैं 2-3 दिन में, सो आज मैं यूज करने वाली हूँ। सो इसको यूज करने के लिए क्या करना, आपको सबसे पहले ये वीडियो कोई बिफोर डिसाइडेड नहीं था, मैंने 4-5 दिन हो गए लाइट की वजह से, कभी आती कब जाती पता ही नहीं रहता है एंड कोई मैसेज भी नहीं है मोबाइल पे, तो उस वजह से तो मैंने सडनली ये वीडियो शूट कर लिया। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसा लगता हो आपको कि
कुछ इनकम्प्लीट है या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उस फीलिंग्स को इग्नोर करने का सॉरी करने का एंड मैं इसको अपने जो पानी में थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी लिया है उससे अपने पूरे फेस को मैं क्लीन कर रही हूँ। एंड नो मेकअप कुछ भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है। अगर आपको भी ऐसा क्लीन एंड क्लियर फेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ, बेसन एंड मतलब वन बाय वन एक दिन छोड़ के एक दिन बेसन हल्दी एंड उसमें थोड़ा सा जो कच्चा मिल्क होता है वो मिला के उससे अपना फेस को क्लीन कर लेती हूँ। फेस वॉश नो डाउट मैं यूज़ करती हूँ बट मैं रात को यूज़ करती हूँ, जब मैं सोने जा रही होती तब अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, उससे पहले नहीं यूज़ करती हूँ। सो मैंने अपना फेस इस तरह कॉटन हैंकी से साफ कर लिया। हाँ एक चीज और है, आप लोग है ना कॉटन की जगह इस तरह का जो कॉटन हैंकी आते हैं ना, मैं तो यही बोलती हूँ कॉटन हैंकी और आपके पता नहीं क्या बोलते, तो इस तरह का यूज कीजिए। ये क्या होते हैं वॉशेबल होते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो एक बार यूज करने के बाद वॉश करके एंड इसको रिटर्नली आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसको ज्यादा अच्छा मतलब अफोर्डेबल मानती हूँ एंड प्राइस भी भाई मनी से होती है प्राइस तो क्या सॉरी। ओके सो या अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ बट उससे पहले मैं और कुछ करने वाली हूँ। ये मैंने थोड़ी सी कॉफी ली है क्योंकि ये कॉफी बनाते वक्त मैं पी थी तब भूल गई थी। सो इसको मैं अपने लिप्स पे स्क्रब करने वाली हूँ इस तरह से। वैसे एक्चुअली मैं ब्रश से करती हूँ, जब मैं ब्रश करती हूँ ना तब कर लेती हूँ पर आज मैं इससे कर रही हूँ एंड थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा क्योंकि सूखी है तो। सो इस तरह से एंड इसको ना कॉफी से आप स्क्रब करते हैं ना आपके लिप से फेस से बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। लिप्स में कभी भी वही चीज अप्लाई करती हूँ जो ऐसी कोई चीजें होती है जो अगर अपने मुंह में चली भी जाए ना तो दिक्कत ना करे, वही चीज लिप्स में अप्लाई करती हूँ कभी भी होता है तो, कि उससे क्या होता है मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती आपको अगर मुंह में चली भी जाए तो भी, डिसाइडेड नहीं होता तो बोलने में कितना मतलब रहता है। इसको मैं ऐसे छोड़ देने वाली हूँ थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है आइसक्रीम खाई होती है ना बच्चों ने उसके बाद मुंह खराब हो जाता है ऐसे। ओके सो इसको मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। सो या अब इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करने वाले हम मतलब मैं ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का लगता है रबड़ होता है ना उस तरह का लगता है मुझे, ये देखिए इस तरह का होता है कुछ। सो ठीक है चलिए लगाते अपने फेस पे। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, फ्रेश फील कराती है आपको, जस्ट लाइक लगता है कि मिंट होता है ना उस तरह से बट ज्यादा अच्छा होता है आंखें क्लोज करके इसको लगाओ आप। बट अभी कैमरे के सामने तो भाई आंखें खुली रखनी पड़ेगी वरना किसी और से लगवाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आंखों में थोड़ा सा मतलब ठंडक लगती है ना उस वजह से अजीब सा फीलिंग आती है। सो इतना खाली हो गया है तो इस तरह से पूरे फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है। लक्षु नहीं करो बेटा, छोटे बच्चे होते हैं ना तो सच में वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसको एक चीज और है, जब भी आप आपके फेस पे अप्लाई करें ना पील ऑफ मास्क तो आपको देखना है कि आप फिंगर से ही अप्लाई करें, इसको ज्यादा मतलब ब्रश से अप्लाई करने की कोशिश ना करें क्योंकि क्या होता है अगर फिंगर से अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से अप्लाई होगा बिकॉज क्योंकि ये जो होता है एकदम से रबड़ की तरह होता है एंड आई से थोड़ा दूर रखिए वरना उनको जो आपकी पलकी होती है ना उनको वो चिपकने की रहती रहती है। फिंगर से अप्लाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रबड़ की तरह होता है तो एकदम से जल्दी जल्दी फैलता नहीं, आपका जो ब्रश है उसी पे भी लग जाएगा, उस पे लग तो जाएगा साथ में वो चिपक जाएगा एकदम से तो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप इसको यूज करें तो ध्यान रखें कि इसको आप फिंगर से ही लगाएं, मैं फिंगर से ही लगाती हूँ
एंड या इस वजह से एक चीज़ और है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको, वो यूज़ करते हैं, इसलिए मैं तो अभी बताऊंगी आपको सामने ही। इससे थोड़े से आपके ना जो फेशियल हेयर बोलते हैं ना, आप छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी ना इससे रिमूव हो जाते हैं। बहुत छोटे होते हैं वो, रिमूव होते हैं एकदम से, पूरे नहीं होते। एक चीज़ हो, अगर आपको फेशियल हेयर रिमूव करना है तो इसको एक तरीका है निकालने का, वो आप देखिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करके जाइएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर लीजिएगा। ये देखिए, बस मैं इस तरह से इतना से अप्लाई करने वाली हूँ। एंड इसको अब आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक ये रिमूव नहीं हो। एंड अगर आप एक लेसी लेडी है जो आपका, जिसको शादी हो चुकी है ना, घर का काम भी करना पड़ता है, तो जब भी आप कोई मास्क यूज़ करें तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह लगा के कोई भी मास्क जो आप है तो उसको आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपका घर का जो काम है आप वो कर सकते हैं, पर ध्यान रखें आपके बच्चे हैं ना छोटे, तो उनके सामने यूज़ करें। अगर वो सोए हैं एंड आप इसको यूज़ कर रहे हैं, एकदम सडनली वो उठ जाएंगे, देखेंगे फेस तो एकदम से डर जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे साथ भी ये हुआ था, तो मैंने फटाफट से फिर धो लिया था उसको, मेरे फेस को मीन्स हटाया नहीं था, रिमूव नहीं किया, धो लिया मैंने। तो इसको धोना नहीं है, इसको एकदम से पील ऑफ मास्क है। एक होता है गुड वाइब्स का चारकोल डीप क्लींजिंग मास्क, हाँ शायद यही नाम है उसका, तो वो मास्क है, उसको आपको रिमूव करना होता है। एंड जस्ट लाइक मास्क होता है उस तरह हटाना नहीं, मुंह मतलब धो लेना होता, और ये पील ऑफ मास्क तो इसको एकदम से आपको रिमूव करना होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छी तरह सूख जाएगा। एंड मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि ये सूख गया है ना, तो पूरा इस वजह से। एंड आपको इस तरह से करके देखना है, अगर आपके हाथ पे नहीं आ रहा है वो, इसे देखिए गीला होता तो हाथ पे आ जाता है, तो नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये सूख गया है। अब इसको हम रिमूव करते हैं। सो रिमूव करने के लिए आपको इस तरह से ऊपर, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको हेयर रिमूव नहीं करने आपके फेशियल हेयर, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेशियल हेयर भी रिमूव हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको रिमूव करना है, जस्ट लाइक नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे हेयर की जो ग्रोथ होती है ना यूं होती है, यूं होती है। तो अगर आप कुछ इस तरह से आपको रिमूव करेंगे आप, तो आपके साथ के साथ में जो छोटे छोटे फेशियल हेयर है काफ़ी हद तक वो भी रिमूव हो जाएंगे। सो मैं इसको इस तरह रिमूव कर रही हूँ, एंड पेन बहुत होता है, मुझे बहुत लगता है कि होता है, कुछ इस तरह से हटेगा ये। वॉश नहीं करना है इसको, पील ऑफ मास्क है तो इसको हटाना है। इस तरह थोड़ा हाथ रखना है आपको, अगर यूं हटाएंगे ना आप तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ जूरे होने के चांस रहते हैं, एकदम से नहीं, पर स्किन आपकी खिंचाती है। सो आपको इस तरह से कुछ रखना है, बहुत पेन होता है। कुछ धीरे धीरे हटाना है, बहुत जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने वीडियो को बहुत कम स्किप किया है, पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। बहुत दर्द होता है, बाल आपको बांध लेने हैं पहले, जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बाल अगर इसके अंदर आ जाएंगे आपके, तो उसके बाद आपके बाल टूटना तय है। बाल तो डेफिनेटली फेशियल हेयर जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पेन तभी होगा जब आपके बाल, क्योंकि यहाँ पे इतना पेन नहीं हो रहा है, ये फटाफट से हटा, पर इस जगह पे यहाँ पे आपका जो पेन है ना ज़्यादा होगा आपको, तो उसका ये रीज़न है कि आपके जो बाल है, हेयर सॉरी फेशियल हेयर है वो आपके रिमूव हो रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह को खींच के इस तरह हटाना है इसको, ये देखिए यहाँ पर एकदम से हट जाएगा फटाफट, इस जगह पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तरीका और, अगर आपको ऐसा लगता है ना आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उसको इस तरह दो पार्ट में डिवाइड कर ले, इस तरह हटाए। सो मैं इसको पूरा आप लोगों के सामने रिमूव करने की कोशिश की है मैंने, मतलब मीन्स वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, आप देख सकते हैं इस तरह से जाएगा ये, एंड साथ साथ उनके बाल जो है ना वो भी रिमूव होते जाएंगे। सो कुछ इस तरह आपको इस तरह का निकलेगा ये, इस तरह का जस्ट लाइक कोई प्लास्टिक हो, इस तरह को रिमूव करना है आपको पूरे फेस पे। एंड ये देखिए, जब जैसे हम कुछ ही लगाते हैं तो हमें उसके
जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चलते हैं ना, उसी तरह हमें पता चलता है कि किस तरह से उसको हमको यूज़ करना चाहिए था। जिस देखिए मैंने यहाँ पर भी इसको लगा दिया था, तो आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर एक जैसे रबड़ बैंड लगा देना है, फिर इसको यूज़ करना है और यहाँ आए तक यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी जो बेबी हेयर है ना तो वो भी टूटने का चांस रहता है, रिमूव होने का चांस रहता है यहाँ पर। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरह छोड़ रही हूँ इनको, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे, हाँ ये देखिए आंखों में आंसू आ गए मेरे, मैं तो इसको अब यूज नहीं करने वाली हूँ सेकंडली। इस तरह से बहुत ज्यादा, कुछ इस तरह से आपको इसको रिमूव करना है। एंड ये देखिए मेरे जो बाल ऊपर के ना उस पर भी आ गया, तो इसको आपको खींचना नहीं है, वरना आपको बाल तोड़ हो सकते हैं, आपको छोड़ देना है। नो डाउट आपको बहुत पेन होता है इससे, बट आपका जो फेस एकदम क्लीन हो जाता है। तो अगर आप बात करें आपके जो ब्लैक हेड से व्हाइट हेड से, वो रिमूव होते नहीं, तो वो डेफिनेटली होते ही रिमूव 100%। एंड बस ये है कि आपको अगर आपके बहुत छोटे छोटे हैं तो एकदम से इस पर दिखेंगे नहीं बहुत, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखेंगे, जैसे कैमरे में अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट मुझे दिख रहे हैं इस पर हल्के से हैं जो रिमूव हो गए हैं, क्योंकि मैं हर दूसरे या तीसरे दिन गर्मी में स्पेशल स्क्रबिंग करती हूँ अपने फेस की। तो उससे क्या होता है, मेरे ब्लैक हेड से व्हाइट हेड से वो रिमूव हो जाते हैं, बट मेरे हस्बैंड हैं उनको वो ऐसा नहीं करते, मेरे फेस पे स्क्रबिंग नहीं करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा होती है, तो उनके जो यहाँ पर ब्लैक हेड्स वगैरह वो रिमूव होते हैं अच्छे से। उसमें कभी मुझे मौका मिला तो जब भी वो लगाएंगे तो मैं थोड़ा शूट करके आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी एंड जरूर वीडियो अपलोड करूंगी। बट अभी मुझे अगर मेरी बात करें तो मुझे अब मेरे फेस पे जो रिमूव हुए हैं ब्लैक हेड वो आपको बहुत मतलब बारीक है, तो बहुत कम दिखेंगे। तो 100% बोल सकते हैं कि इससे आपके जो ब्लैक हेड्स है व्हाइट हेड्स है वो रिमूव होते हैं, साथ ही आपके जो फेशियल है वो भी रिमूव होते हैं। पर एक चीज हो रही है, अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपके अगर आपका जो नोज एरिया है यहाँ पर ही इसको यूज करें, जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, पूरे फेस पे अगर नहीं होती है तो, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ज्यादा है ना आपके फेस पे मतलब रेडनेस आ जाती है। ये 2 मिनट के बाद मैंने 2 मिनट 20 में स्किप कर लिया अपने फेस को, एंड थोड़ा सा हाथ गीले करके मुंह पे इस तरह से घुमाया, तब जाके मुझे रिलीफ मिला। अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना, बहुत थोड़ा थोड़ी सी जलन टाइप, जलन तो नहीं बोल सकते हैं, बट थोड़ी सी हल्की सी ऐसा लगता है कि आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही हो या फिर इस तरह से लगता है। बाकी आपके ब्लैक हेड्स 100% रिमूव होंगे। एंड अभी तो मैंने फेस वॉश नहीं किया, तो अब जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे फेस पे मुझे रेडनेस आ गई है, थोड़ा सा ऐसा जलन टाइप हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलती, हल्की सी है, तो हो सकता है ये चारकोल मास्क है तो इससे ऐसा होता हो, तो ऐसा है। एंड पेन तो आपको 100% होता है, तो आप क्या करें यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से आपका जो भी कोई हेयर बैंड है या फिर नहीं हो तो स्कार्फ वगैरह पहन के और फिर यहाँ से इस तरह कवर करके अपने फेस को अप्लाई करें। मीन्स आपको यहाँ यहाँ तक अप्लाई करना है, इतने यहाँ यहाँ तक, यहाँ से जरूरी कि ये देखिए मैंने इसको पूरा अपने फेस पे अप्लाई कर लिया ना, तो उससे क्या हो मेरे बाल देखिए यहाँ तक ये चिपक गए मेरे पूरे बाल, तो मैं इनको अब इस तरह से हटाने नहीं वाली हूँ, इसको मैं वॉश करूंगी जब मैं नहाऊंगी तब, तो इसको मैं उस तरह छोड़ दूंगी, वरना मेरे देखो ये इतने बड़े बड़े बाल है ये भी हट जाएंगे। तो हेयर आपके डेफिनेटली रिमूव होते हैं ये आप कह सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको पेन होता है ये है चीज। कैसे लगा आपको आज का वीडियो मुझे वो बताइएगा, एंड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आई एम नॉट गेट रेडी बिकॉज मुझे अब नहाना है एंड मेरा दूसरा जो काम है वो भी करना है मुझे, इसीलिए।